ये देखने दीदी, अब इसको ऐसे खोलेंगे रस्सी को। हाँ भैया। और इसके बाद है तो ये खोल दिए, अब खोलने पर बदबू भी दे गए। देखिए दीदी कैसे गंदा हो गया है अब। हाँ। सड़ने के बाद और बदबू भी आ रहा है भैया। अरे बहुत बदबू आ रहा है। अब दीदी इसको पहले मिक्स करेंगे। हाँ भैया। अब ये ऐसे कलर में हो गया सड़ के। हाँ भैया। अब इसको छानेंगे। अब हाँ छान के दिखाइए भैया। ये ऐसे तरीके से छाने जाते हैं इसको। हाँ भैया। ये या आप तो इसके तीन प्रयोग बताए, तो एक आध प्रयोग करके बता सकते हैं। हाँ दीदी बता सकते हैं। दीदी हम अभी अमृत पानी को गोबर खाद में है तो उपचार करके हाँ बताते हैं। दीदी अब इसको निकाल ली है इतना। हाँ। दो गिलास। हाँ भैया। अगर इतने का जरूरत है तो इतने निकाले हैं। अब जैसे हाँ। जैसे जरूरत पड़ेगा उसमें से छान लेंगे हम। अब इसको नापेंगे पहले। हाँ भैया। इसके बाद है तो अमृत पानी के 10 गुना पर पानी डालेंगे इसमें। उसके बाद है तो फिर हाँ। मिक्स करेंगे। हाँ। ये नाप रहे हैं दीदी अब। हाँ। अब दीदी एक गिलास तो अमृत पानी नाप लिए। अब हाँ, इसमें नहीं तो 10 गिलास पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद तो घोल बनाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा उसको। हाँ, ये हो गया 9 गिलास। हाँ, और ये 10 गिलास। अब इसको है मिक्स करेंगे। अब तो अमृत पानी और फिर एक गिलास अमृत पानी और 10 गिलास पानी से इसको घोल बना लिए। लेकिन ये कितना गोबर खाद में जो सड़ा हुआ गोबर खाद है उसमें कितना किलो में ये काम आएगा? दीदी 5 किलो सड़ा हुआ गोबर खाद में मिलाएंगे इसको। ज्यादा हो गया तो? नहीं ज्यादा हो गया तो फिर 2 गिलास अमृत पानी कर लेंगे और 20 गिलास वो पानी। हाँ। और 10 किलो ये कर लेंगे गोबर खाद। हाँ।